नमस्कार, वेलकम टू भूगोलशाला। मैं पूनम यादव। आज की क्लास में हम फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं। भौतिक भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। अब भौतिक भूगोल क्या होता है? तो भूगोल दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक भूगोल और दूसरा मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में हम उन सभी वस्तुओं का अध्ययन करेंगे जो कि नेचर मेड है। स्वयं अर्थ के बारे में पढ़ेंगे कि अर्थ का फॉर्मेशन किस प्रकार से हुआ और अर्थ पर जितने भी नेचर मेड थिंग्स हैं या अर्थ की इंटीरियर है या फिर उसका आउटर पार्ट है या फिर एनवायरमेंट से रिलेटेड या लैंडफॉर्म्स को पढ़ेंगे तो भौतिक भूगोल कहलाएगा। ठीक है, इसमें एटमोस्फियर के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो भौतिक भूगोल को स्टार्ट करने से पहले अर्थ का फॉर्मेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले बताएंगे कि पृथ्वी कैसे निर्मित हुई। जैसा कि आपने सुना है कि पृथ्वी एक आग का गोला थी और इस प्रकार से घूमती हुई पृथ्वी ठंडी हुई और ठंडी होने के बाद में इसकी जो लेयर है, आउटर लेयर है, वो कैसी हो गई? संकुचित हो गई। और संकुचित होने के कारण से जो भाग स्थल का है कुछ खड़ा रह गया और कुछ भाग गर्त या गड्ढे नुमा भाग में तब्दील हो गया। तो जो ऊंचे उठे भाग हैं वो महाद्वीप कहलाए और जो भाग गर्त या फिर गड्ढे वाले बन गए उन्हें महासागर कहा गया। इस प्रकार से एक विद्वान हुआ करते हैं वेगनर। उन्होंने बताया कि संपूर्ण पृथ्वी इस प्रकार से एक स्थान पर एकत्रित थी। जितने भी स्थलखंड हैं या ऊंचे उठे हुए भाग हैं जिन्हें हम महाद्वीप कह रहे हैं, वो एक समय ऐसा था कि वो एक स्थान पर ही एकत्रित थे। ठीक है, तो उसे क्या कहा गया? जो स्थल का भाग है एक जगह पर लोकेटेड था उसे कहा गया पेंजिया। और पेंजिया के चारों तरफ जल विद्यमान था जिसे नाम दिया गया पेंथालासा। ये दोनों नाम किसने दिए हैं? वेगनर ने नाम दिए हैं। तो पेंजिया का अर्थ आप समझ सकते हैं महाद्वीप। जब एक जगह पर संकुचित थे या एक जगह पर ही स्थित थे उसे पेंजिया कहा गया और इसके चारों तरफ जो जल की मात्रा थी उसे पेंथालासा कहा गया। तो महासागर का अर्थ, महासागर का अर्थ हम पेंथालासा से लगाएंगे। अब चलते हैं कि पेंजिया का विखंडन कब हुआ और क्यों हुआ। तो पेंजिया किस प्रकार से टूटा? पेंजिया के द्वारा स्थलरूपों का निर्माण या महाद्वीपों का निर्माण किस प्रकार से हुआ? पृथ्वी की आंतरिक हलचल के कारण से, भूकंप या ज्वालामुखी या अन्य टेक्टोनिक हलचल के कारण से पेंजिया का विखंडन हुआ और इसी प्रकार से महाद्वीपों की रचना हुई। और अलग अलग स्थान पर जब प्लेटें सरकती हैं उन्हीं के कारण से इन प्लेटों के बीच में या इन स्थलखंडों के बीच में गैप बना और उस गैप के अंदर पानी भर जाने से ही अलग अलग महासागरों की रचना हुई। तो इसी प्रकार से भौतिक भूगोल के लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे हम, या पर्वत, पठार, मैदान, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम अर्थ का फॉर्मेशन, तो पृथ्वी इस प्रकार से बनी, और पृथ्वी से पहले हम सौर मंडल के बारे में चर्चा करेंगे। तो सोलर सिस्टम में 8 प्लेनेट्स पाए जाते हैं जिनको ग्रह कहा जाता है। अब ग्रह क्या होते हैं? सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वालों को ग्रह कहा जाता है। ठीक है, और ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले को उपग्रह कहा जाता है। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लेनेट्स पाए जाते हैं, मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। इन सभी ग्रहों की बात करें तो सबसे पहले हम सन के बारे में बात करते हैं। सन के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह कहलाते हैं, जिसमें दो कैटेगरी में ग्रहों को डिवाइड किया है, आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रह। अब आंतरिक ग्रह कौन से होते हैं? आंतरिक ग्रह वे ग्रह कहलाते हैं जो क्षुद्र पेटी के अंदर अंदर स्थित हैं। ये जो आपको बेल्ट दिखाई दे रही है ये क्षुद्र ग्रह पेटी है, अर्थात ये जो कंकड़ पत्थर की बेल्ट सी दिखाई दे रही है आपको, इसे क्षुद्र ग्रह पेटी कहते हैं। क्षुद्र ग्रह पेटी के साथ में ही दो नाम आपने और भी सुने होंगे, उल्का पिंड
तो क्षुद्र ग्राह पेटी ये ऑटोमेटिक ये जो खंड हैं ये विचरण कर रहे हैं, इस विचरण कर रहे खंड ये अपनी कक्षा से जब विचलित होकर के बाहर की ओर जाते हैं, बाहर की ओर जाते हैं तो उल्का कहलाते हैं, और जब किसी ग्रह पर जाकर के टकराते हैं या किसी ग्रह पर जाकर के गिर जाते हैं तो उसे कहा जाता है पिंड या मेट्रोइड कहलाते हैं। अब चलते हैं सन के बारे में। सन की जो बाहरी लेयर है या जो लपटे हमें दिखाई दे रही हैं उन्हें कहा जाता है प्रकाश मंडल। या फोटोस्फीयर कहा जाता है, जो हमें आग की लपटें दिखाई दे रही हैं वहां का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। इसी के अंदर वाला भाग होता है वो क्रोमोस्फीयर कहलाता है। क्रोमोस्फीयर को वर्णमंडल भी कहा जाता है और वर्णमंडल का टेम्परेचर 27000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सन की गति की दिशा है बिल्कुल अर्थ की तरह, यानी पश्चिम से पूर्व रोटेट करता है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है सन। अब सन के चारों ओर चक्कर लगाने वाला सबसे पहला ग्रह मरकरी है, जो सबसे निकटतम है और इसका कलर येलो और स्लेटी कलर का पाया जाता है। मरकरी में वायुमंडल नहीं पाया जाता है, इसी के कारण से यह ज्यादा गर्म नहीं होता है। मरकरी यानी कि बुध जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए 88 डेज लेता है, यानी 88 दिन में सूर्य के चारों तरफ अपना चक्र पूरा कर लेता है और स्वयं की धुरी पर 56 दिन में घूमता है। तो 56 दिन में अपनी धुरी पर घूमता है, घूर्णन गति कंप्लीट करता है और सन के चारों तरफ 88 डेज में घूम लेता है। इसी प्रकार से यहाँ वायुमंडल नहीं है, इसी के कारण से ये ज्यादा गर्म नहीं होता है। तो बुध कम गर्म है बजाय कि वीनस के, तो उसका कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल नहीं है। लेकिन इसका एक नेगेटिव इफेक्ट भी है, क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल नहीं है तो जब एस्ट्रॉइड यहाँ आते हैं तो वो सीधे जाकर के टकराते हैं। आगे चलते हैं शुक्र ग्रह के बारे में, यानी वीनस। शुक्र ग्रह की बात करें तो शुक्र ग्रह का घूर्णन गति जो कि सर्वाधिक है 243 दिन, यानी 243 दिन में अपना धुरी पर घूमता है और इसी प्रकार से सन के चारों ओर चक्कर लगाने में यह 225 दिन लेता है, केवल 225 दिन लेता है सिर्फ सन के चारों ओर चक्र लगाता है और 243 दिन में अपनी धुरी पर घूमता है। तो इससे क्या बना, 225 दिन में सन के चारों ओर चक्र लगा लेता है, मीन्स यहाँ शुक्र का जो साल होता है या ईयर होता है वो 225 दिन का होता है और यहाँ का दिन 243 दिन का होता है, अर्थात यहाँ का दिन 243 दिन बड़ा होता है और ईयर छोटे होते हैं। शुक्र ग्रह पृथ्वी की आकृति के समान दिखाई देता है, पृथ्वी के समान ही आकार है, इसी के कारण से इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। शुक्र ग्रह चमकीला होने के कारण से सांझ का तारा, भोर का तारा, कहा जाता है। शुक्र ग्रह पर तापमान अधिक पाए जाते हैं, तो इसका अधिक तापमान होने का कारण है कि यहाँ के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक पाई जाती है और इसी के कारण से यहाँ पर तापमान अधिक पाए जाते हैं। एक और विशेषता है कि शुक्र ग्रह उल्टा घूमता है, मीन्स पूर्व से पश्चिम की ओर रोटेट करता है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर
घूमने वाला उल्टा ग्रह शुक्र को कहा जाता है। अब आते हैं अर्थ के बारे में। तो अर्थ के बारे में आप जानते हैं, इसे नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जल की मात्रा अधिक पाई जाती है, 71% पाया जाता है जल, और 29% यहाँ का स्थल पाया जाता है। इसी के कारण से पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, एकमात्र जीवन प्रदान करने वाला ग्रह है। थर्ड डिग्री है ना हाफ, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, अपनी धुरी पर 24 घंटे में घूम लेती है और सूर्य के चारों तरफ घूमने में 365 डेज लेती है। चलते हैं मार्स पर या मंगल ग्रह की बात करें, तो मंगल ग्रह का कलर रेड होता है। रेड कलर होने का कारण यहाँ पर आयरन की उपस्थिति है। मंगल ग्रह के दो उपग्रह पाए जाते हैं, फोबोस डिमोस। डिमोस जो कि सबसे छोटा उपग्रह सौरमंडल का, सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है जो कि मंगल ग्रह का है। यहां पर ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं जिसको कहा जाता है ओलिपस मेसी, जो कि एक प्रसिद्ध ज्वालामुखी है, मंगल ग्रह पर पाया जाता है। तो इस प्रकार से जो उपग्रह हम पढ़ चुके हैं, जो ग्रह हम पढ़ चुके हैं, चार ग्रह, वो आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये शुद्र बेल्ट के अंदर हैं, एस्ट्रॉइड बेल्ट के अंदर होने के कारण से इन्हें हम आंतरिक ग्रह कह रहे हैं, और इसी के बाहर वाले ग्रह हैं वो बाह्य ग्रह कहलाते हैं। तो आंतरिक ग्रह की बात करें तो सबसे पहले इसमें बुध, शुक्र ग्रह, पृथ्वी और मंगल ग्रह को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। अब आते हैं जुपिटर पे। तो जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है और इसके सबसे अधिक उपग्रह है। 92 उपग्रह पाए जाते हैं जुपिटर के। सबसे बड़ा उपग्रह भी जुपिटर ही रखता है जिसका नाम गैनीमेड है। जुपिटर की घूर्णन गति जो कि अधिक तेजी से घूमता है, 9.5 घंटे में अपना दिन पूरा कर लेता है। ठीक है, हिम रहित ग्रह है, यहाँ पर बर्फ बिल्कुल नहीं पाई जाती है। अब आते हैं शनि पे। तो शनि की विशेषता है, शनि ग्रह वलय के नाम से जाना जाता है, वलय की वजह से प्रसिद्ध है कि शनि ग्रह पर वलय पाई जाती है या छल्ले पाए जाते हैं। शनि ग्रह जिसके उपग्रह 83 है और शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। अब बात करें अरुण की, तो अरुण ग्रह लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसका कलर ग्रीन है क्योंकि यहां पर मिथेन गैस पाई जाती है और मिथेन गैस के कारण से ही अरुण का कलर ग्रीन पाया जाता है। ये नया खोजा हुआ ग्रह है इसलिए इसे नया ग्रह कहा जाता है और उल्टा घूमता है। इससे पहले शुक्र ग्रह जो कि उल्टा घूमता है और ये ग्रह भी उल्टा घूमता है। अरुण ग्रह पर सबसे कम तापमान पाए जाते हैं, तो यह है सबसे ठंडा ग्रह है, सबसे ठंडा ग्रह है और यहाँ 27 उपग्रह पाए जाते हैं। क्लियर है?
तो इस प्रकार से ये अरुण ग्रह की विशेषता थी। अरुण ग्रह का कलर ग्रीन है क्योंकि यहाँ पर मिथेन गैस पाई जाती है। लेटा हुआ ग्रह है, नया खोजा हुआ है, इसलिए आधुनिक ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठंडा उपग्रह क्योंकि यहाँ के तापमान कम पाए जाते हैं। अब आते हैं वरुण ग्रह पे, जो कि सबसे लास्ट के सबसे दूर स्थित ग्रह है। वरुण के या नेपच्यून के 13 उपग्रह पाए जाते हैं। अब चलते हैं अर्थ के बारे में। तो अर्थ अपनी धुरी पर घूमती है और इसी के साथ में ही सन के चारों ओर भी चक्र लगाती है। तो पृथ्वी अपने ग्रह पर अपनी धुरी पर घूमती है, उसे घूर्णन गति कहते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है और चंद्रमा अर्थ के चारों ओर चक्र लगा रहा है। चंद्रमा अर्थ के चारों ओर चक्र लगाने के कारण से जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य एक सीध में आ जाते हैं तो उस समय पर ग्रहण की स्थिति पड़ती है, ग्रहण की स्थिति बनती है जिसे सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं पृथ्वी का आकार। तो पृथ्वी किस प्रकार की है? पृथ्वी जब निर्मित हुई, जब पृथ्वी ठंडी हुई तो उसका आकार है वो एक गोलाकार ना होकर के, जब ठंडी हुई तो संकुचित हुई, सिकुड़ गई, और सिकुड़ने के कारण से किसी स्थान पर पृथ्वी चपटी है, किसी स्थान पर उभरी हुई है, किसी स्थान पर गड्ढा है। तो इसी प्रकार की शेप है, उसको मिलाते हुए जो बनाई जाती है उसे जियोइड शेप कहा जाता है। जियोइड शेप, ध्रुवों के ऊपर से पृथ्वी चपटी है और भूमध्य रेखा के पास में पृथ्वी उभरी हुई है, ठीक है। इसी शेप को क्या कहा जाता है? जियोइड शेप कहा जाता है, लद्वक्ष गोलाब कहा जाता है। तो पृथ्वी लद्वक्ष गोलाब शेप की है। पृथ्वी एक स्थिर दर से घूमती है। पृथ्वी के घूमने की जो दिशा है वो पश्चिम से पूर्व है, ठीक है। पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूम रही है। भूमध्य रेखा सबसे अधिक तेजी से घूमती है और ध्रुव वाला पार्ट है वो इसी प्रकार से कम गति से घूमता है। इसी के कारण से 0 डिग्री या भूमध्य रेखा के पास में सर्वाधिक कोरियोलिस बल पाया जाता है, क्योंकि इसकी गति के कारण से ही यहाँ पर सेंट्रल फ्यूगस फोर्स अधिक पड़ता है और भूमध्य रेखा के करीब कोरियोलिस फोर्स अधिक बनता है, जो बाहर की ओर किसी भी वस्तु को पुल करता है, फेंकता है या बाहर की ओर धकेलता है, जिससे पृथ्वी को थोड़ा जियोइड वाला शेप मिलता है। अर्थात जो 0 डिग्री वाला शेप है वो बाहर की ओर निकल जाता है और ध्रुवों वाला भाग है वो चिपका हुआ रह जाता है या चपटा रह जाता है। तो जियोडसी एक ऐसा विज्ञान है जो पृथ्वी के आकार के बारे में अध्ययन कराता है। अब आते हैं लैंड एंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अर्थ। तो पृथ्वी के ऊपर जल और स्थल के वितरण के बारे में। तो जैसे ही पृथ्वी ठंडी हुई तो संपूर्ण स्थल एक स्थान पर एकत्रित था और उसके चारों तरफ जल विद्यमान था, तो पेंजिया और पेंथालासा था। आंतरिक हलचलों के कारण से, कुछ टेक्टोनिक हलचलों के कारण से अर्थ का जो स्थल वाला भाग था वो अलग हुआ और उनके द्वारा जो प्लेटें सरकी तब महाद्वीपों की रचना हुई, ठीक है। तो पृथ्वी के ऊपर जल कितना पाया जाता है? 71% पाया जाता है और पृथ्वी की सतह पर केवल 29% है वो लैंड का हिस्सा है। पृथ्वी के वायुमंडल में 6 परतें पाई जाती हैं, 6 लेयर पाई जाती है एटमॉस्फेयर में, जो कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, बहिर्मंडल के नाम से जानी जाती है। इन परतों को वायु की संरचना के आधार पर, रासायनिक संगठन के आधार पर अलग अलग भागों में विभक्त किया गया है। तो सबसे निचली वाली लेयर है वो क्षोभ मंडल कहलाती है या ट्रोपोस्फियर कहलाती है। इसके बाद में ट्रोपोस्फियर के बाद में स्ट्रेटोस्फियर पाई जाती है,
समताप मंडल पाया जाता है, यहां पर ओजोन गैस की उपस्थिति होने के कारण से ओजोन मंडल भी कहा जाता है इसे। आगे आता है मध्य मंडल, ताप मंडल, बहिर मंडल और आयन मंडल कहा जाता है। वायुमंडल की सभी परतों के बारे में हम डीपली स्टडी करेंगे जब क्लाइमेटोलॉजी को पढ़ेंगे। पृथ्वी का अक्ष, अब आते हैं पृथ्वी के ऊपर। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसे पूरा करने में 24 घंटे लग जाते हैं। इसी के कारण से 24 घंटे के दिन और रातें बनती हैं। ग्लोब पर दिन को रात से विभाजित करने वाली वृत्त को रोशनी वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी एक झुकी हुई धुरी पर घूमती है क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री यानी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो 23.5 डिग्री का कोण बनता है और कक्षीय तल के साथ में, जो पृथ्वी अपने कक्षीय तल के साथ में ही 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। कक्षीय तल सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा का तल पाया जाता है। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है उसके कारण से, या पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण से दिन और रातें बनती हैं, जो 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रातें होती हैं। लेकिन पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और झुकी होने के कारण से ही पृथ्वी घूर्णन करती है। घूर्णन करती हुई पृथ्वी के कारण से कोरियोलिस बल की प्राप्ति होती है और इसी प्रकार से तेज घूमती हुई पृथ्वी में जहां इक्वेटर वाला भाग है वो सबसे ज्यादा रोटेट करता है। पृथ्वी का नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो कि एक सीध में होना चाहिए, लेकिन पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी होने के कारण से इसका नॉर्थ पॉइंट थोड़ा सा घूमकर मिलता है। यहां देखिए एक्चुअल शेप इस प्रकार से होनी चाहिए थी, इसका मेन अक्ष या नॉर्थ पोल और साउथ पोल इस प्रकार से मिलते हैं। इसी प्रकार से पृथ्वी के घूम में झुके होने के कारण से दिन और रात की अवधि में भी चेंजेस आते हैं और पृथ्वी के अलग अलग अक्षांश पे हमें अलग अलग प्रकार के ताप की प्राप्ति या कम या अधिक ताप की प्राप्ति होती है। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट बात पे कि भूमध्य रेखा पर दिन हमेशा रात से लंबे क्यों होते हैं। सबसे पहली बात यह है कि पृथ्वी पर एकमात्र ऐसी जगह है भूमध्य रेखा जहां पर सर्वाधिक ताप की प्राप्ति होती है और वहां पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है। यद्यपि लेकिन यदि कोई वायुमंडल नहीं होता तो कोई भी अपवर्तन नहीं होता, का मतलब ये है कि सन की रेज हमें बिल्कुल सीधी प्राप्त होती और भूमध्य रेखा पर दिन और रात का समय बराबर होता, कम होता विषु के दौरान, ठीक है। लेकिन वायुमंडल के कारण सूर्य की किरणें अपवर्तित हो जाती हैं या प्रकाश का झुकना हो जाता है, का मतलब ये है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे वायुमंडल से प्रकाश की तरंगे या किरणें टकरा जाती हैं तो उनका मार्ग है वो चेंज हो जाता है और इसी के कारण से सुबह और शाम के समय जब सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं तो उनका अपवर्तन विशेष रूप से अधिक होता है। अपवर्तन से मतलब है कि सन की रेज जब हमारे पास आ रही है तो वो सीधी ना आकर के अपना मार्ग से थोड़ा विचलित होकर और कम गति में हमें प्राप्त होती है, यही क्रिया अपवर्तन कहलाती है, ठीक है। भले ही वास्तविक सूर्य क्षितिज के नीचे है यानी बिल्कुल 90 डिग्री एंगल बना रहा है, लेकिन अपवर्तन के कारण से इसकी स्पष्ट छवि यानी क्षितिज के ऊपर दिखाई देगी। भूमध्य रेखा पर दिन और रात की तुलना, दिन रात की तुलना में लंबा हो जाता है क्योंकि यहाँ पर अपवर्तन के कारण से प्रकाश अधिक अधिक प्राप्त होता है, ठीक है। अब आते हैं बढ़ते अक्षांश के साथ तापमान क्यों गिरता है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो टेम्परेचर कम क्यों होता चला जाता है या तापमान हमें कम क्यों मिलता है। तो पृथ्वी का ज्योइड शेप है, सबसे पहली बात है कि पृथ्वी का आकार ही इस प्रकार का है कि वो पृथ्वी एक
ऊबड़ खाबड़ धरातल समझ लीजिए या फिर सन की तरफ पृथ्वी का झुकाव समझे, ठीक है? तो पृथ्वी झुकी होने के कारण से यहाँ पर समान तापमान पृथ्वी पर प्राप्त नहीं होता है। तो इसी के कारण से प्रति इकाई क्षेत्रफल पर प्राप्त ऊर्जा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। सबसे पहले देखिए, सन की लाइट सबसे ज्यादा पड़ती है भूमध्य रेखा। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि सन की जो रेज आती हैं वो सबसे पहले भूमध्य रेखा पर पहुंचती है, क्योंकि ध्रुवों वाला भाग है वो चपटा होने के कारण से या दूर होने के कारण से सन की रेज यहां पर तिरछी हो जाती है, और तिरछी होने के कारण से ये अधिक वायुमंडल को क्रॉस करके जाती है। इसी के कारण से वायुमंडल में इन तरंगों को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, यानी इनकी कुछ मात्रा ही ध्रुवों तक पहुंच पाती है, ठीक है? तो अधिक वायुमंडल पार करने के कारण से यहां पर कम तापमान प्राप्त होता है। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और ध्रुवों के ऊपर ये किरणें तिरछी हो जाती है, और तिरछी किरणों का परावर्तन भी अधिक हो जाता है, और इसी के साथ ये अधिक वायुमंडल को क्रॉस करके जाती है। तो अधिक परावर्तन के कारण से यहाँ तापमान कम होते हैं ध्रुवों पर। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तो डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। तो पृथ्वी की घूर्णन और परिभ्रमण गति क्या है, ठीक है? घूर्णन या परिभ्रमण गति, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, और परिक्रमण गति जब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है तो उसे रिवोल्यूशन कहते हैं। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है उसे रोटेशन कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं, और घूर्णन गति के कारण से ही दिन और रात की प्राप्ति होती है, या दिन या रात बनते हैं। रिवोल्यूशन के कारण से पृथ्वी सन के चारों ओर चक्र लगाती है, और सन के और चारों ओर चक्र लगाने के कारण से ही एक साल बनता है। अब है क्वेश्चन ऑफ द डे, तो बांध और उन राज्यों का मेल मिलाइए जिसमें वे स्थित हैं, अर्थात किस राज्य में बांध पाया जाता है। तुंगभद्रा केरल में, लोअर भवानी आंध्र प्रदेश में, इडुक्की तमिलनाडु, नागार्जुन कर्नाटक। तो ये जिस राज्य से मिलते हैं या जिस राज्य में मिलते हैं उनसे मिलान करना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, इसका आंसर क्या रहेगा आप कमेंट बॉक्स में देंगे। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।